भारत के कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। नंबर 1, मोहनचुआ। 2002 में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में एक विचित्र सी वस्तु देखने को मिली थी। इसने अपने हमले से कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कुछ लोगों की तो मौत हो गई थी। उस समय यहाँ के लोगों में इसका बहुत ज़्यादा खौफ हो गया था, जिसे इन्होंने मोहनचुआ नाम दिया। लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये वस्तु क्या थी और क्यों हमले करती थी। नंबर 2, छत्तीसगढ़ की रहस्यमय रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के चमारा क्षेत्र की गुफाओं में कुछ रॉक पेंटिंग्स बनी हैं, जिन्हें 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स बताया जाता है। इस पेंटिंग्स में एलियंस की उड़न तस्तरी का चित्र बना है, जिसमें दिखाया गया है कि कुछ एलियंस मानवों का अपहरण कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों के अनुसार यहाँ से वाकई में एलियंस इंसानों का अपहरण कर साथ ले जाते थे, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि इन पेंटिंग्स का असली रहस्य क्या है और किसने ये पेंटिंग बनाई है। 3, क्या वाकई ताजमहल एक शिव मंदिर था? ताजमहल के बारे में सब जानते हैं कि ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, लेकिन एक मशहूर इतिहासकार और प्रोफेसर PNOK का दावा है कि ये ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महल कहा जाता था। प्रोफेसर PNOK अपने कई तर्क में ताजमहल का शिव मंदिर होने का दावा करते हैं, लेकिन इनके इस दावे पर कुछ खास गौर नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे देश में सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है। लेकिन इनका ये दावा एक संदेह जरूर छोड़ता है कि क्या है असल में ताजमहल की हकीकत। नंबर 4, ज्वाला जी मंदिर की अखंड ज्योति। हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर में एक अखंड ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती। लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि क्या कारण है कि ये ज्योति बुझती ही नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने इस ज्योति को कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। नंबर 5, निधिवन वृंदावन। वृंदावन के निधिवन मंदिर के बारे में ऐसा मान्यता है कि यहाँ के परिसर के रंग महल में आज भी भगवान कृष्ण का वास है। कहा जाता है कि रंग महल में भगवान कृष्ण रात के समय विश्राम करते हैं और यहाँ के पुजारी रोज रंग महल में माखन मिश्री का प्रसाद रखते हैं और बिस्तर बिछाते हैं, और सुबह देखने पर बिस्तर ऐसा बिखरा होता है जैसे इस पर कोई सोया हो और प्रसाद भी ग्रहण किया हो। लेकिन इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जान पाया कि वाकई में यहाँ भगवान कृष्ण का वास है या इसकी हकीकत कुछ और है। नंबर 6, जयगढ़ के किले का रहस्यमय खजाना। पिंक सिटी जयपुर के जयगढ़ के किले में एक रहस्य छुपा है जिसका सच आज तक कोई नहीं खोज पाया है। कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने अकबर से छुपा कर यहाँ हीरे जवाहरात और करोड़ों की संपत्ति छुपा कर रखी थी। कई बार इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक इस खजाने को पता नहीं चल पाया। नंबर 7, भारत चीन बॉर्डर पर बना UFO बेस। भारत और चीन की सीमा पर स्थित कोंगा ला पास भी अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए हैं। यहाँ लोग UFO बेस होने का दावा करते हैं, क्योंकि समय समय पर यहाँ लोगों को उड़न तस्तरी और अजीब से प्राणी दिखाई देते हैं। इस जगह पर कई वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं और उन्हें खुद अजीबो गरीब चीज़ों का एहसास हुआ है, लेकिन इनका असली रहस्य आज तक कोई नहीं खोज पाया।